नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी बिलासपुर। सराज में विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री, कहा मंडी का मतलब किन्नौर से भरमौर, उसमें रामपुर भी शामिल। कल से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ, प्रशासन ने 332 देवी देवताओं को भेजा न्योता। रामनवमी पर भक्तों के जयकारों से गूंज उठे हिमाचल के शक्तिपीठ, मां के दर्शनों के लिए तड़के ही लग गई कतारें। श्री नैना देवी में पानीपत के श्रद्धालु की जेब से निकाल लिए 125,000 रुपए, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अंब में एक्सीडेंट के बाद बीच सड़क ट्रक खड़ा कर फरार हुआ चालक, 4 किलोमीटर तक लग गया लंबा जाम। श्री नैना देवी में पकड़े नकली किन्नर, मां के दरबार में भेस बदल कर श्रद्धालुओं से ऐंठ रहे थे पैसे। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक हिमाचल के नए चीफ जस्टिस, राजभवन में सीएम की मौजूदगी में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। 3 साल का अनुबंध पूरा कर चुके एचआरटीसी के कर्मचारी भी होंगे पक्के, चुनाव आयोग से अनुमति मांगेगा निगम। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 17 और 18 को पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा तेवर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को विपक्ष पर हमलावर अंदाज में दिखे, सराज में जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के चौलथाच में विपक्ष पर खूब प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बार बार मंडी का जिक्र कर रहे हैं, मगर उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि मंडी का मतलब मंडी संसदीय क्षेत्र है, इसमें किन्नौर से भरमौर और रामपुर भी आता है। सीएम ने कहा कि हमारे बीच सांसद रामस्वरूप जी नहीं है, जिसका हमें बहुत दुख है। उन्होंने मंडी को छोटी काशी कहकर सुशोभित किया। अब पीएम नरेंद्र मोदी भी मंडी को छोटी काशी के नाम से पुकारते हैं। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह बार बार ये कहती आ रही हैं कि मैंने उपचुनाव नहीं लड़ना था। हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि हमें सांसद मजबूर नहीं, मजबूत चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज से अब की बार 40,000 वोटों की लीड मिलनी चाहिए, इस बार की जीत अगली जीत को सरल कर देगी। भाई और बहनों, आज मुझसे पहले सब साथियों ने बात कही कि आज हम वोट मांगने भी आए हैं। अब सही मायने में तो वोट अभी 1 साल बाद होने, 2022 के दिसंबर में हो गया, 1.25 साल अभी तक अगले चुनाव के लिए रह गया। लेकिन बीच में हमें इस बात का दुख है कि हमारे सांसद मंडी के रामस्वरूप शर्मा जी हमारे बीच में हुआ करते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी हम महसूस करते हैं। और सीट खाली होने की वजह से मंडी लोकसभा क्षेत्र का जो है ये उपचुनाव हो रहा है। सरकार दिल्ली में बनी हुई है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है सराजी के नेतृत्व में, लेकिन दोनों सरकारों को मजबूत करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब शुक्रवार को कुल्लू में भव्य देव समागम देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की। आइए जानते हैं इस बार क्या होगा खास। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में कल से दशहरा महोत्सव शुरू हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक चलने वाले देव समागम में 332 देवी देवताओं को जिला प्रशासन की ओर से आमंत्रित किया गया है। शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि अटल सदन में शाम 7 बजे 7 दिवसीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले शाम 3 बजे राज्यपाल रथ मैदान ढालपुर आएंगे और रथ यात्रा के साक्षी बनेंगे। राज्यपाल अगले दिन 16 अक्टूबर को 10:15 बजे शमशी में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि से जुड़े किसानों से संवाद करेंगे। दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में वैक्सीनेशन के भी इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 पुलिस जवानों तथा 50 गृह रक्षकों की तैनाती की गई है, जबकि मेला क्षेत्र को 5 सेक्टर में बांटा गया है।
इस बारी का दशहरा जो कभी सदियों पहले जिस तरह से दशहरा ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें केवल देवी देवताओं का महासंगम जो यहाँ पे दशहरा कुल्लू के ढाकू गांव में होता है, उस तर्ज पे ये दशहरा इस बारी का रहेगा। सभी जो 332 हमारे कुल्लू के देवी देवता हैं उनको दशहरा समिति द्वारा इन्विटेशन कार्ड्स भेजे गए हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की देव परंपराओं का निर्वहन करने के लिए कुल्लू राज परिवार की दादी देवी हिडिंबा कुल्लू रवाना हो गई हैं। गुरुवार को ढुंगरी गांव स्थित हिडिंबा मंदिर से देवी की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हुई। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के पश्चात सैकड़ों हरियाणों व कारकुनों के साथ निकली इस रथ यात्रा के हजारों लोग गवाह बने। जो आगाज है वो हो गया, माता रानी निकल चुकी है दशहरे के लिए, रवाना हो चुकी है और माता रानी के वहाँ पहुँचने के उपरांत ही जो अगली कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो इसमें जो माता हिडिंबा का है ये विशेष भूमिका रहती है और जो हमारा विशेष रोल है कि जो विधि है वो तो वैसे ही रहेगी, बाकी जो भी लोग यहाँ से जाएंगे हरियाणा जाएगा तो सभी शायद आज पहले दिन जो है थोड़ा ज्यादा जाएंगे, उसके बाद फिर लोग बीच बीच में माता के दर्शन करने आएंगे। नवरात्र के अंतिम दिन हिमाचल के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ आया। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में नवमी पर दूर दूर से भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे और खुशहाली की कामना की। हिमाचल के शक्तिपीठों में गुरुवार को रामनवमी के दिन पिछले दिनों की तुलना में अधिक श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचे। गुरुवार सुबह से ही लंबी कतारें माता के दर्शनों के लिए लगनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक तो मंदिरों में तिल धरने को जगह नहीं बची। इस दौरान माँ श्री नैना देवी, माँ ज्वाला जी, श्री चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी, माँ बाला सुंदरी सहित प्रदेश के सभी मंदिर जयकारों से गूंज उठे। मंदिर परिसरों के अलावा मंदिर जाने वाले मार्गों पर भी भीड़ इतनी थी कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर से ही श्रद्धालुओं की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। उधर प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ ब्रजेश्वरी में गुरुवार को लुधियाना के 25 श्रद्धालु मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों से उलझ पड़े, इस कारण उन्हें बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में हरियाणा के एक श्रद्धालु से लूट हो गई। मां के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े भक्त को जेब कतरे लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए। श्री नैना देवी में नवरात्र के दौरान पानीपत से आए एक श्रद्धालु की जेब से किसी ने 1.25 लाख रुपए निकाल लिए। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में पता चला कि माताजी के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के पीछे एक अन्य व्यक्ति ने पानीपत के भक्त की जेब से पैसे निकाले हैं। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों द्वारा चोर को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। पीड़ित श्रद्धालु प्रमोद कुमार ने बताया कि वह पिछले 9 दिनों से कोलावाला टोबा में माताजी के लंगर में सेवा कर रहे हैं और आज दर्शनों के लिए परिवार सहित श्री नैना देवी के दरबार में आए थे। उनकी जेब में 2000 के नोटों की एक गड्डी थी जिसमें लगभग 1.25 लाख रुपए थे। इस दौरान किसी जेब कतरे ने उनके पैसे निकाल लिए। थे तो लाइन में मेरे पति को उसने बोला अपनी फैमिली को आगे आ जाओ, तो मेरे पति ने कहा चलो आप आगे आ जाओ, तो उसने उसको आगे नहीं होने दिया, मेरे पति को आगे लगा के खुद आगे हो गया, पीछे अपनी फैमिली को लगाया और मुझे पीछे कर दिया। जैसे ही मंदिर में एंटर किया उसने हमारी जेब में से पैसे निकाल लिए, ये उसका मलान था। मैं करीब 11 बजे के करीब 1.25 लाख रुपया निकाल लिया गया पत्रों द्वारा और हमारे मैंने अपने आप खुद जाके उसकी फोटो फुटेज ले ली और उसके बाद अपने सुरक्षा कर्मी सभी उसके पीछे लगा दिए, पॉइंट वॉइंट पर सब तो उसको ढूंढने का काम जारी है। अंब में गुरुवार को एक्सीडेंट के बाद चालक बीच सड़क गाड़ी खड़ी कर फरार हो गया, मगर ड्राइवर की इस बेवकूफी ने हजारों लोगों को संकट में डाल दिया। पेश है इसके ऊपर ये रिपोर्ट। ऊना जिला के अलोह मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना के बाद डर के मारे एक चालक बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके भाग गया। इस दौरान हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा। हुआ यूं कि गुरुवार दोपहर को भरवाई की तरफ से हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोडेड ट्रक जब अलोह मुख्य मार्ग से गुजर रहा था तो उसी दौरान सूही लिंक मार्ग से आ रहे एक ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। इसी बीच मुबारकपुर से आ रही कार भी टिप्पर की चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि तीनों गाड़ियों में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद डर के मारे टिप्पर चालक विवेक कुमार उत्तर प्रदेश गाड़ी की चाबी लेकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद गाड़ियों की निकासी बंद हो गई और दोनों तरफ करीब 4 किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग गई। डीएसपी मनोज जमवाल ने बताया कि हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू कर दी है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मामला रोचक भी है और गंभीर भी। दरअसल श्री नैना देवी के दरबार में नकली किन्नरों का भंडाफोड़ हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए इन युवाओं की करतूत। श्री नैना देवी में गुरुवार को कुछ नौजवान किन्नर के भेष में आ गए और लोगों से पैसे मांगने लगे। जिला बिलासपुर की महंत बिजली को जब इस बात की सूचना मिली तो वह तुरंत नैना देवी में पहुंची और सरेआम नंगा कर उनका पर्दाफाश कर दिया। महंत ने फिर इनकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की और प्रार्थना की कि जो भी बाहरी राज्यों से नकली किन्नर आ रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र उनके अधीन आता है, इसलिए वह किसी भी तरह के बाहरी किन्नर को यहाँ अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था अर्धनागेश्वर के नाम से है जो गरीब और असहाय लोगों की सहायता करती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से नकली किन्नरों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है कि हम जो स्थायी हमारे किन्नर हैं जिला बिलासपुर के बिजली महंत और माता नैन देवी के मनीषा महंत, हम उनकी सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी यहाँ पे इनकी जमीन है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन ये बाहरी राज्य के किन्नर आते हैं, माथा टेक के जाएं, लेकिन ये यहाँ पे पैसे मांगते हैं, सुबह सुबह से ये भवन पे खड़े हैं और फिर नशा बेचते हैं, नशा करते हैं, इनके साथ मुंडे भी हैं, तो महंगे महंगे होटलों में रहते हैं सर ये, और हम कमाते हैं, हम जनता का पैसा जनता पे ही लगाते हैं, सभी को पता है हम समाज सेवी हैं जी। रिक्वेस्ट यही है कि इन पे बंदिश लगाई जाए, बाहर राज्य के किन्नरों पे रोक लगाई जाए, यहाँ पे उगाही ना करें, यही रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को गुरुवार को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के रूप में नए चीफ जस्टिस मिल गए। उन्होंने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं। इससे पहले वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एचआरटीसी के अनुबंध कर्मचारी भी नियमित होंगे। अन्य विभागों की तरह एचआरटीसी भी चुनाव आयोग से कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अनुमति मांगेगा। चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाती है तो इसी महीने एचआरटीसी के अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी हो सकते हैं, नहीं तो फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद उन्हें रेगुलर किया जाएगा। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि 3 साल का अनुबंध काल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का मामला अध्ययन किया जा रहा है। जल्द अन्य विभाग की तरह एचआरटीसी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में फिर से बदलाव आने वाला है। विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर गौर करें तो प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार बन रहे हैं। हिमाचल में शनिवार से मौसम फिर करवट लेगा और 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी चलेगी। हालांकि कल यानी शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान विभाग ने लगाया है। बात अगर गुरुवार की करें तो राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। इस दौरान ऊना का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और केलांग का टेम्परेचर 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अक्टूबर में अभी तक सामान्य से 46% कम बादल बरसे हैं और पहली से 14 अक्टूबर तक प्रदेश में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और अब चलते मंडी सदर में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सीपीआईएम का धरना प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। साइबर ठगी वाले 300 मोबाइल नंबर ट्रेस, अधिकांश नंबर बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान से। धर्मशाला में एचआरटीसी कर्मचारियों ने बोला हल्ला, गेट मीटिंग कर प्रदेश सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। दशहरा उत्सव को लेकर हिमाचल के बाजारों में बड़ी रौनक, कल जलाया जाएगा बुराई का पुतला। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना ना भूलें शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।